स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 31.2 पे हैं और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेखीय विधि से हल करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ और यहाँ पर कुछ प्योरल इसके दिए हुए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरण में बदलने पर, हम लोग पहले इसे रैखिक समीकरण में बदलते हैं। चलिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू में हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू में 15। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसका आलेख खींचने के लिए हमें इनके दो दो सॉल्यूशन निकालने होंगे। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा। चलिए देखिए, x y, x का मान 0 रखेंगे तो y का 5 आ जाएगा और y का 0 रखेंगे तो x का 10 आ जाएगा। x y, x का मान 0 रखेंगे तो y का 15 और y का जीरो रखेंगे तो x का 5 आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग इसका यहाँ पर आलेख बनाते हैं। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ ले लेते हैं ये x एक्सिस, ठीक है, और इस पर ले लेते हैं y एक्सिस। ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं x, यहाँ x डैश y और इस पर आप लिख दो y डैश। चलिए, यहाँ पर यहाँ 5, 10, 15 हो गया, 15 तक ही ना जैसे 5, 10, 15। चलिए देखिए, x का 0, y का 5, ये रहा 0, 5, x का 10, y का 0, x का 10, y का 0, 10, 0 ये हो गया। तो इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी कुछ इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, है ना जी, ये ना आपकी रेखा हो जाएगी। और इसका हम यहाँ समीकरण भी दिखा देंगे। समीकरण क्या था, x प्लस 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू में 10। चलिए, अब दूसरे वाले के लिए चलते हैं, x का 0, y का 15, 0, 15, x का 5, y का 0, 5, 0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से हो जाएगी, समझ रहे ना, इसी तरह से जाएगी। तो यहाँ देखिए, इसका भी समीकरण लिख देते हैं, 3x प्लस y इक्वल टू में 5, 3x प्लस y इक्वल टू में 15 था, ठीक है, 3x प्लस y इक्वल टू में 15। चलिए, दोनों डार्क ही रेखा हुई क्योंकि वहाँ पे इक्वल का भी सिंबल था, देख लीजिए यहाँ पर इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू दोनों है। अब देखिए, इसके बाद हमें चेक करना होगा 0, 0 पर असमीकाओं को, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 0 पर असमीकाएं, ठीक। तो पहली असमीका देखें, 0 + 2 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो 0 लेस देन है ना 10 से, 0 इज लेस देन 10, तो ये सत्य है। अच्छा, दूसरे वाले रखते हैं, तो 3 × 0 + y की जगह 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, यानी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 15, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो दोनों सत्य हो रहा है, तो मूल बिंदु की तरफ, और ये व्यवरोध ये भी दिया था, ऋणोत्तर व्यवरोध, एक्स एंड वाई इज 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल। तो हम लोग प्रथम पाद में ही चलेंगे और इन दोनों रेखा के इधर, यानी कि यह वाला भाग इसका हो जाएगा, तो इसके कोण, ये वाला भाग इसका हल क्षेत्र होगा, कोणीय बिंदु O जिसका निर्देशांक 0, 0, यह एक 5, 0 इसको A देते हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु को यहाँ B देते हैं, इसका निर्देशांक हम लोग अभी निकाल लेते हैं और यह C देते हैं। तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो इस रेखा और इस रेखा को सॉल्व कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इस इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई करो ना, यहीं पर मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 6x + 2y इक्वल टू में 30 और यहाँ है आपका x + 2y इक्वल टू में 10, ये साइन चेंज करते हैं, 2y से 2 आ गया,
यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x इक्वल टू में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 20, इसमें ये जाकर डिवाइड करेगा 4 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 हम लोग इसमें रख देते हैं सेकेंड वाले में, एक फर्स्ट किसी में भी 4 प्लस 2y इक्वल टू में 10, ये 4 जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा 2y इक्वल टू में 6 हो जाएगा, y इक्वल टू में यहाँ से 3, x का 4 y का 3, 4 और 3 हो जाएगा, x का 4 और y का 3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हल क्षेत्र है, हल क्षेत्र एक एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु ओ 0 0, ए 5 0, बी 4 3 तथा सी 0 5 है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, हमें यहाँ पर क्या निकालना था, जी अधिकतम या न्यूनतम मान, तो हमें यहाँ अधिकतम मान निकालना था, अधिकतम मान निकालना था, और जेड इक्वल टू में 3x+2y यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग टोटल 5 कॉलम को रखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर जेड इक्वल टू में 3x+2y दिया था ना जी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3x+2y, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ओ 0 0 इसका निर्देशांक, फिर ए 5 0, बी 4 3 और सी 0 5, इसमें रखेंगे तो 0 15 15 आ जाएगा, 4 3 12 और 3 2 6, 12 6 18, 5 2 10, तो मैक्सिमम वैल्यू यही ना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है यहीं पे 4.3 पर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर